बात उन बच्चों की कर लेते हैं जिन्होंने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। जी हां, प्रयागराज के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के सिर पर टशनबाजी का ऐसा खुमार चढ़ा कि उन्होंने खुद से ही बम बनाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, अपनी धमक दिखाने के लिए इन छात्रों ने शहर के नामी जगहों पर सिलसिलेवार बम फोड़े। लेकिन अब छात्रों का यह गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। प्रयागराज में बीते कुछ रोज दहशत भरे थे, क्योंकि कुछ लोग आते थे स्कूलों के सामने बम फोड़ कर जाते थे। इस तरह बॉय स्कूल के गेट पर ये जो धुआं आपको दिख रहा है वो बम का धुआं है। यहाँ बम फोड़ा गया। ऐसा ही बम 4 जुलाई को संगम क्षेत्र में फोड़ा गया, 15 जुलाई को MPVM के पास फोड़ा गया, 16 जुलाई को पतंजलि ऋषिकुल के पास फोड़ा गया, 22 जुलाई को बॉयज हाई स्कूल के पास फोड़ा गया, 25 जुलाई को बिशप जॉनसन स्कूल के पास फोड़ा गया। पुलिस परेशान थी कि ये बमबाजी कौन कर रहा है। जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि ये बमबाजी करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज के ही एक नामी स्कूल के नाबालिग छात्र थे। देखिए, विगत दिनों जैसा कि घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी, सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें अनावरण तथा जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी का एक तरह से SPCT और ASP के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। उसी के तहत कुल 11 लोगों को अप्रीहेंड किया गया, जिसमें एक वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। सिर्फ रौला दिखाने के लिए और ठसक बनाने के लिए ये बमबाजी करते थे। एक तरह से पशनबाजी और अपना वर्चस्व कायम करना, ग्रुप का वर्चस्व कायम करना, इन उद्देश्यों को रखते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई सारी इन्होंने घटनाएं की और सोशल मीडिया का जो है गलत इस्तेमाल करके इन घटनाओं को ग्लैमराइज करने का भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।